NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वीडियो कॉन जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आप सभी का एक बार फिर से विजयपथ एजुकेशन की इस नई क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप सभी जानते हैं आज HPPSC के द्वारा पूरे हिमाचल में HP सेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया, तो उसका अभी कुछ टाइम पहले पेपर वन हुआ है, तो उसकी आंसर की के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। सो आप देख सकते हैं ये HPPSC के द्वारा 2024 में HP सेट का पेपर जो कंडक्ट करवाया गया था, उसका पेपर वन की आंसर की मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो कुछ इस प्रकार से पेपर जो था वो आया था। फर्स्टली आपको जो है वो एक पैराग्राफ दिया गया था जो आपके बेसिक एग्जाम में भी पूछा जाता है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपका ये पेपर रहता है। इसमें फर्स्टली जो आपका पैराग्राफ था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। भारतीय राज्यों से रिलेटेड ये एक पैराग्राफ आपके पास दिया गया था। इसके आपके पास टोटल 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, तो ये 5 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ के ऊपर बेसिकली डिपेंड करते हैं। इसको हम बाद में इसको कवर करेंगे। सबसे पहले जो टू द पॉइंट हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो 6th क्वेश्चन जो था वो था ब्रेकडाउन ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इज डिस्क्राइब्ड एज, तो इसका जो राइट आंसर था वो था एंट्रोपी। जब भी वर्बल कम्युनिकेशन को ब्रेकडाउन करना होता है तो वो जो मेथड होता है उसको एंट्रोपी कहा जाता है। नेक्स्ट रीजन वाले क्वेश्चन थे जिसमें फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस किया गया था। तो जो फॉर्मल कम्युनिकेशन से रिलेटेड यहाँ पे दो आपके पास सेंटेंस दिए गए थे। पहला था इट विल बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल, एंड सेकंड था सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसमें जो पहला ए है वो आपका गलत है और जो रीजन है वो आपका सही है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा। नेक्स्ट था आपको यहाँ पे मैचिंग करनी थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सीरीज बी को मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं, तो उसके साथ साथ अपने आप क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट था 9th क्वेश्चन है द कम्युनिकेशन अमोंग पर्सनल वर्किंग एट डिफरेंट लेवल हु हैव नो डायरेक्ट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज कॉल्ड, तो उसको कहा जाता है डायगोनल कम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर आएगा विकर्ण संचार। ये क्वेश्चन नंबर 9th था। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10th, क्लासरूम ट्रांसफॉर्मिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल साइन बैक, जब हम कक्षा में मौखिक और अशाब्दिक संकेतों को दोबारा से अगर उसको मैसेज में चेंज करना तो उसको एनकोडिंग कहा जाता है। कंप्यूटर का भी ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन रीजनिंग का था, गैपिंग मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट आंसर इसका 15 है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12th, इसमें घंटियों वाला ये क्वेश्चन बेसिक लेवल का एक क्वेश्चन जो था वो आपके लिए पूछा गया था कि 8 बजे जो है वो घंटी बजती है और एक घंटी उसके फिर 6 मिनट बाद, फिर 9 मिनट बाद, 12 मिनट के अंतराल पे बजती है, तो सभी घंटियां फिर से कितनी बार बजेंगी, तो 8:36 में बजेंगी। LCM मेथड से आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का पूछा था, केमिस्ट्री का कोड दिया गया था, इसमें आपका जो पैटर्न है वो +1 -1 +1 -1 का आपका पैटर्न चलेगा, उस पैटर्न को जब आप फॉलो करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ये आपका प्रॉफिट लॉस से पूछा गया था, इस क्वेश्चन में कहीं पे कुछ गलती लग रही है तो उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15, आपका एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन था और इसमें ये कहा गया था टोटल 210 बच्चे हैं जिसमें से उनका 1/3 जो है उनका जो मीन है वो 60, यानी कि एवरेज उनका 60 है और जो बाकी बच्चे बच गए उनका 78 है, तो आपको सभी की एवरेज बतानी थी, तो डायरेक्ट आप इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, आपका आंसर जो है वो 72 निकल के आएगा। देखिए जो 210 बच्चे उसमें से 1/3 जो है वो आपके पास बचेंगे 70 और इनका जो मीन है वो है आपके पास 60 एंड देन उसके जो पेंडिंग आपके पास बचे वो 140, इसका जो मीन है वो है आपका 78 और डिवाइड करेंगे आप टोटल बच्चों से 210 से, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 72 राइट रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड था, इसमें ये कहा गया सभी संत धार्मिक हैं और कुछ ईमानदार व्यक्ति संत हैं,
तो इसमें आपका कुछ एक सर्कल की शेप में एक वो बनेगा क्वेश्चन। ये जो है वो संत हैं, और संत जितने भी हैं वो सारे के सारे धार्मिक हैं और कुछ ईमानदार व्यक्ति संत हैं। तो यहां से कंडीशन आपके लिए बनेगी और ये व्यक्ति जो है वो ईमानदार आ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ ईमानदार व्यक्ति धार्मिक हैं। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन था, इसमें आपसे पूछा गया था वैशिक दर्शन द्वारा स्वीकार किया जाता तो सिर्फ दो चीजों को स्वीकार करते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को, तो ओनली वन एंड टू, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर था। अगला प्रश्न है डिडक्टिव आर्गुमेंट इज इनवैलिड, क्वेश्चन नंबर 18 था। तो इसका जो राइट आंसर है, डिडक्टिव आर्गुमेंट में क्या होता है कि जो भी आपके पास वाक्य है वो सत्य होते हैं लेकिन उनका कंक्लूजन जो है वो गलत निकलता है, सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है जस्ट एज मेल्टिंग आइस क्यूब, जैसे यहाँ पे लिखा गया था कि बर्फ का जब टुकड़ा जो है वो पिघलता है तो पानी गिलास से बाहर नहीं निकलता, तो वैसे ही अगर समुद्र में जो बर्फ अगर वो पिघलेगा तो उसका आयतन नहीं यहाँ पे बढ़ेगा, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एनालॉजिकल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था ध्वनि शाश्वत है क्योंकि उत्पन्न करती है, किस प्रकार के हेत्वाभास को संदर्भित करती है, तो इसका राइट आंसर विरुद्ध है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट फुल फॉर्म पूछी गई थी NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इजी क्वेश्चन था, ये नवीन जो हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर ये डिपेंड है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो नेटिजन जो होता है, नेटिजन ऐसे व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है जो कि नेटवर्क का यूज करते हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। और क्विक रिस्पॉन्स का मतलब होता है क्यूआर कोड, तो क्यूआर जो है वो एक पिक्चर को शो करता है जिसमें आपने देखा होगा डॉटेड फॉर्म में जो है वो एक पिक्चर बनाई जाती है जो कि उस चीज एक मेन फोकस को इंडिकेट करता, तो ये दोनों सेंटेंस आपके पास सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था एक ऐसा पेयर आपको बताना जो बिल्कुल करेक्ट है, इसका राइट आंसर रहेगा ईमेल SMTP, सेंड मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपको पूछा गया था वेब सर्च इंजन आपने यूज किए होंगे, गूगल है, याहू है और बिंग है, ये तीनों आपके सर्च इंजन है, तो ये आपका सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, टू थ्री फोर वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए है, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, यहां पे पूछा गया था आपको जैव विविधता सम्मेलन का सचिवालय कहां पे है, तो ये कनाडा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो किन विकिरणों को अवशोषित करती हैं, तो इंफ्रारेड को अवशोषित करती हैं क्योंकि जब वो हीट बाहर निकलती है तो इंफ्रारेड का डायरेक्ट रिलेशन हीटिंग से है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण, तो पहला तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड हैं वो सारे एसिड रेन जनरेट करते हैं, तो वन टू एंड फोर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वह पदार्थ जो परमाणु ऊर्जा के लिए जो है नियंत्रण उसकी स्पीड को कम करता है तो उसको हम मॉडरेटर कहते हैं, हैवी वाटर एंड ग्रेफाइट का इसमें यूज किया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो अवधि रखी गई है वो 2015 से 2030 रखी गई है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट था नॉन कन्वेंशनल लर्निंग में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, बच्चों को ध्यान में रख के शिक्षा प्रोवाइड करवाई जाती है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट जो इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं वो किसके द्वारा एफिलेटेड होते हैं, तो AICTE, ये आपने कई कॉलेज के बाहर लिखा होता है जैसे कि ये कॉलेज किस संस्था के साथ जुड़ा, तो AICTE जो है वो इंजीनियरिंग करवाता है। नेक्स्ट है जो 4 साल की बीएड अब होगी तो ये 2030 के बाद जो है वो मान्य है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भारत में उच्च शिक्षा के लिए कौन कौन सी चीजें जो है वो बिल्कुल सही हैं, तो पहुंच होनी चाहिए, समता, गुणवत्ता, नेक्स्ट रेलेवेंस है, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये हमारी राइट टू एजुकेशन जो 2000 है उसमें ये पहले से ही एप्लीकेबल है, तो ये हमारा हायर एजुकेशन में काउंट नहीं किया जाएगा, सिर्फ 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन होती है, तो ए से लेके ई तक सारे आपके सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 35, भारत में दूरस्थ शिक्षा के लिए कौन सा कथन जो है वो सही है, तो इसमें
जो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बी सी एंड डी, बी सी एंड डी, ये तीनों आपके जो है वो सही है। कॉस्ट को कम करते हैं, जैसे अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन अगर आप ले रहे हो तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, आपको काफी ज्यादा असेस वहां पे मिल जाएगा, और जो फॉर्मल एजुकेशन जो आप स्कूल जाते हैं उसकी जगह जो है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन आ जाएगी। तो बी सी डी आपके तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका डीआई से रिलेटेड पूछा गया था, तो अभी कुछ टाइम के बाद इसको सॉल्व करके आपको ये प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके बेसिकली 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे क्वेश्चन नंबर 40 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, हम डिस्कस करते हैं। इसमें लर्नर की करेक्टरिस्टिक से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 41 है कि किस चीज को ये अप्रोच करता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होती है, जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है वो बेसिकली लर्नर की जो परफॉर्मेंस है उनको वो स्थापित करती, उनमें वो असेस लेके आती, तेजी लेके आती, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे इसका एक क्वेश्चन ये दिया, फीडबैक टू टीचर, तो देखिए जो फॉर्मेटिव होता है वो टीचर के साथ साथ स्टूडेंट को भी फीडबैक दी जाती, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा गलत लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें ये पूछा गया था टीचिंग एंड लर्निंग के जो नेचर एंड ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर कौन सी चीज डिपेंड करती है, तो जो टीचिंग है वो इसमें लिखा गया एक बेचने जैसा है और सीखना जो है वो खरीदने जैसा, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। टीचिंग एक सोशल एक्ट है और लर्निंग जो है वो पर्सनल एक्ट है, जैसे अगर कोई टीचर है वो टीच कर रहा है तो वो सोशली टीच करेगा, सभी को टीच करेगा, और लर्निंग अगर मैं सीख रहा हूं तो खुद के लिए सीख रहा हूं तो पर्सनल एक्ट है, ये सही है। नेक्स्ट है टीचिंग जो है वो लर्निंग से जुड़ी है बट लर्निंग टीचिंग से नहीं जुड़ी है, ये भी यहाँ पे सही है, और टीचिंग का मतलब होता है कि नॉलेज को प्रोवाइड करवाना, तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों आपके सही हैं, 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया था एजुकेशनल प्रोग्राम जो टीवी के लिए चलाया गया है जैसे गवर्नमेंट के द्वारा, तो स्वयं प्रभा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, हिमाचल गवर्नमेंट का भी है हर घर पाठशाला, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ऑप्शन बी स्वयं प्रभा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कारक सीखने को सबसे कम प्रभावित करता है, तो अगर हम मटेरियल अगर नहीं लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं पे बच्चे में इफेक्ट आएगा, उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस से भी इफेक्ट आता है, और जो अगर परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है तो वहां से भी बच्चा कम सीख पाता है, लेकिन यहाँ पे भावात्मक स्वास्थ्य लिखा गया तो ऑप्शन डी जो है वो इसका यहाँ पे सही लग रहा है। बेसिकली डिपेंड करता ऑफिशियल आंसर की के ऊपर, क्योंकि अगर हेल्थ होता तो इसका यहाँ पे इफेक्ट जो है वो ज्यादा पड़ता, इसलिए यहाँ पे इमोशनल हेल्थ लिखा गया, इसलिए हम कहीं ना कहीं पे अभी तक ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था शोध नैतिकता का मुद्दा, इनकी जो रिसर्च एथिक्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं स्टेज ऑफ रिपोर्टिंग द फाइंडिंग के लिए, जो निष्कर्ष निकलते हैं उनको वो चेक करते हैं, उनको फाइंड करते हैं, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कौन सी क्वालिटी जो है वो नहीं है, तो एक्सपेरिमेंटल में हम हेर फेर नहीं कर सकते, उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपको इसमें प्रॉपर वे में बताना है कि एक साइक्लिक जो एक्शन रिसर्च होती है वो कैसी होती है, तो पहले हमें योजना बनानी पड़ती है, हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद हमें एक्ट करना पड़ता है, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं, देन हम रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है क्वालिटेटिव रिसर्च में किस चीज के ऊपर फोकस किया जाता है, कौन सी विशेषता नहीं है, इसके ऊपर फोकस हम नहीं करते हैं, तो सामाजिक तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करना, ये इसकी एक करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इफ अ टीचर बांड टू टेस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ अ न्यू टीचिंग मेथड, जिसमें फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच की बात की गई थी, तो उसमें बच्चों को डेमोस्ट्रेशन बेसिकली दी जाती है, तो डेमोस्ट्रेशन से हम उसको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की वे में ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। तो ये हमारे टोटल एचपी सेट का आज जो हमारा एग्जाम हुआ उसमें 50 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, अभी पेपर वन आपका ये कंडक्ट हुआ है तो उसकी आंसर की मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी, कुछ टाइम के बाद जो आपका पैराग्राफ है और जो हमारी डीआई इसमें पूछी गई थी उसकी भी आंसर की आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।